उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 24 घंटे में श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस दौरान करीब 6 लाख से ज्यादा भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मंदिर को 44 लाख रुपए की आय हुई है और मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए 12 विशेष प्रसाद काउंटर लगाए, जिसने 94 क्विंटल लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई और मंदिर को करीब 43,62,700 रुपए की आय हुई है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं। आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल जीते भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे ओलंपिक पहुंचे और मंत्री विश्वास सारंग उनका स्वागत कर रहे हैं और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हॉकी सितारे विवेक सागर भोपाल पहुंच चुके हैं। विवेक, अपनी धरती पर आकर पेरिस से ब्रॉन्ज लाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे इतना अच्छा वेलकम के लिए मेरे खेल मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सर हमारे साथ हैं और पूरा खेल एवं कल्याण और एवं पुलिस हमारे साथ मेरे वेलकम के लिए आए हैं, तो मुझे बहुत खुश हूँ कि ये मेडल अपने प्रदेश के लिए लेके आया हूँ। मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मेडल उन सभी देशवासियों के लिए है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें निरंतर सपोर्ट करते आ रहे हैं और स्पेशली हमारे सीरियस भाई जो कि जिनका राज टूर्नामेंट था। मध्य प्रदेश में जो फैसिलिटीज प्लेयर्स को दी जा रही है उनसे आप कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं और आपको लगता है और नए खिलाड़ी निकल कर आएंगे? अनुराग की मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है, खेलों में कल्याण विभाग बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे कोचेज अच्छे इक्विपमेंट्स लेके आ रही है और उन्हीं का नतीजा है जहाँ पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और देश के प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में बैक टू बैक दो बार लेके आया हूँ। सर, कितना गौरव का विषय एमपी के? बहुत प्रसन्नता की बात है, विवेक ने हम सबका सर फख्र से ऊपर उठाया है और देश के लिए बड़ी सौगात है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात। तो मंत्री विश्वास सारंग और तमाम अधिकारियों ने विवेक सागर का आज भोपाल एयरपोर्ट पे स्वागत किया और भोपाल आते ही न्यूज 18 से बातचीत में विवेक सागर ने ये कहा कि ये उनके लिए, पूरे परिवार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गर्व का गौरव का विषय है कि हॉकी टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक में की और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वीर जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो आप देख रहे थे विवेक को, जिनका ये कहना है कि वो और भी खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं और जो मेडल है वो उन्होंने सभी देशवासियों को समर्पित किया है जो राजा भोज एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आए, जो देश के और लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बलरामपुर में डूबने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई और पोखर में डूबने से 2 साल की बच्ची जिसकी मौत हो गई, घर के पास बने पोखर में डूबने से बच्ची की मौत हो गई, बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ। और बिलासपुर में लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला से नकली पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने अंगूठी, मंगलसूत्र लूट लिया था और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। और आपको बता दें कि 3 बदमाश जो कि पुलिस के हत्थे चढ़े, और ये देखिए ये उस वक्त की सीसीटीवी वीडियो है जब वे वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे और एक नकली पिस्तौल लेकर ये लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये दरअसल उसी वारदात के दौरान की तस्वीरें हैं और नकली पिस्तौल दिखा करके उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। और जबलपुर के सिविल लाइन थाने में एक नाइजीरियन शख्स सरकारी मेहमान बना हुआ है। ये पहले जेल में सजा काट रहा था लेकिन अब इसे वापस इसके देश भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल जॉन उर्फ ब्राउनी अब हिंदी में बात करता है।
भारत देश में ही रहना चाहता है। 7 साल पहले ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और ये कुछ युवकों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने लगा और इसने एक महिला से 16,26,000 रुपए ठग लिए। महिला की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अब कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसका वीजा समाप्त हो चुका है और वो उसे रिन्यू नहीं करवा पाया और वो कहीं और चला न जाए, इसलिए उसे सिविल लाइन थाने में रखा गया है। CSP ने बताया कि जॉन को उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उसे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था, तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने, तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट में। हरदा में 70 साल पुराने मकान पर बुलडोजर चलाकर इसे ढा दिया गया और सागर में हुई घटना के बाद हरदा में प्रशासन ने एक्शन लिया और यहां बारिश के बीच मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जर्जर मकान को JCB की मदद से तोड़ा गया। जर्जर भवन सीताराम रामचंद्र धर्मदा गौशाला ट्रस्ट का है। मकान को तोड़ने के पहले 2 दुकानों को खाली कराया गया। गौशाला की वो थी प्रॉपर्टी थी जिस पर जर्जर भवन था, कई सालों से इसको लगातार नोटिस भी दिए गए थे, इनको SDM महोदय द्वारा भी खाली करने के आदेश दिए गए थे, तो उसी के अनुक्रम में हम इनको 24 घंटे का अगर नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खाली कर दें। आज लगातार बारिश हो रही है, शासन के निर्देश हैं, तो प्रशासन के सहयोग से पुलिस के सहयोग से आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 24 घंटे में श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस दौरान करीब 6 लाख से ज्यादा भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मंदिर को 44 लाख रुपए की आय हुई है और मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए 12 विशेष प्रसाद काउंटर लगाए जिसने 94 क्विंटल लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई और मंदिर को करीब 43,62,700 रुपए की आय हुई है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।